तुम्हारे मुंह पर नहीं मारा बल्कि उस दोस्ती के मुंह पर मारा है जिसके नाम पर तुमने मुझे धोखा दिया। से देख रही हूं कि इसके अंदर होता क्या क्या और पिक्चर्स तो देखो कितनी अच्छी अच्छी किसने ली है यकीनन हमजा ने ली होंगी और क्या क्या रखा है मैडम ने देखे तो सर क्या ढूंढ रही हो यहां पर अरे वाह सबूत तुम्हारी मोहब्बत का वैसे तो दुनिया वालों को पता ही है अगर सबूत हाथ तक जाए तो आग लगाने में बहुत मजा आता है मैं तुम दोनों बहन भाइयों को क्या समझती थी और क्या निकले हो तुम लोग पछता रही हूं मैं ये तुम्हारी गलती है तुम्हें सोचना चाहिए था ना सना हाँ ये मुझे दो क्यों पहले पढ़ने तो दो सबके पढ़ने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमजा ने अपना दिल ही निकाल कर यहाँ रख दिया इन पर मुझे दे दो मैं फेंकने वाली थी फेंकने वाली थी तो फेंके क्यों नहीं अब तक झूठ बोल रही हो ना अगर फेंकने होते ना तो तुम कब का फेंक चुके होते इस तरह यूं अपने सरहाने ना रखते मैं कहती हूँ ये मुझे दो नहीं दूंगी पहले दानिश को तो दिखा दूं मजा आएगा क्या कहना चाहती हो सना मेरी बात सुनो तुम इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो पिट कर आए हो क्या किसी से क्या बकवास कर रही हो बकवास तो हम कहां करते आपके मिसेस के पुराने मोहब्बत नामे मिले हमजा ने लिखे बड़े प्यार से फेंकने के बजाय निकाल कर पढ़ा करती हैं तुम भी देखो ना लो लो अरे लो शर्मा क्यों रहे हो बहुत इश्क था ना तुम अपने सपाइज के साथ याद कर क्यों ना तुम उसको अब भी याद आता होगा वो पीछे हटो तब तो मुझे भी होता है जब भी मैं तुम्हारी उस पुरानी आशिकी के बारे में सोचता हूँ बहुत दर्द होता है मैंने सब अपनी आंखों से देखा इन्हीं आंखों से वो तुम लोगों की करीबियां वो बेताबियां पास रहे सब देखा है मैंने मेरा खुदा जानता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कभी झूठ बेवफा हो रहा था तुम कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारा एक एक दोस्त था मेरा वो भी मेरा दुश्मन बन गया है नफरत करता हूं मैं उससे बोल के बहुत नफरत करता हूं मैं उससे सुना तुमने दानिश
यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह डस्टिंग नहीं हुई है, तुम देख लो सब। हमजा तुम कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? तुम्हें तो तेज बुखार था बेटा, क्यों गए थे बेटा? आराम करो, खुदा के लिए खुद पर तो रहम करो ना। कुछ नहीं होगा मुझे, बहुत ढीठ हूं मैं और शायद बदकिस्मत भी, इसलिए गोली मेरे बाजू पर लगी है, दिल पर नहीं। मैं जानती हूँ बेटा कि तुम हमसे खफा हो, जरा सोचो अगर तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? हमारा कोई कसूर नहीं है बेटा, मैं तो मान गई थी, वो दानियाली जिद पर आ गया और उसे देखो, तुम्हारा साथ देने के बजाय उसने अपने बाप का साथ दिया, जरा भी रिजिस्ट नहीं किया और फौरन शादी कर ली। कोई तो मसला होगा ना। ये कहानी आप मुझे कितनी बार सुनाएंगी? तब तक जब तक तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल नहीं हो जाती। खुदा के लिए खुद पर रहम करो हमजा और कहीं बाहर चले जाओ। अच्छा प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके, तुम क्यों आई हो यहां? कल की इंसल्ट भूल गया हो क्या? हमजा हमारी मेहमान है, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम? इज्जत से बात करो। हमजा सॉरी बेटा, वो तबीयत खराब है ना, इसलिए थोड़ा रूड हो गया है। कोई बात नहीं आतिब, आप सॉरी मत बोलिए, मैं जानती हूँ इसे बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा और जिसके लिए ये इस नौबत पे आ पहुँचे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। कैसे समझाऊँ उसे मैं, मेरी तो सुनता ही नहीं है। आप फिक्र क्यों करती हैं? अगर आप कहें तो मैं बात करती हूँ। नहीं तुम बात नहीं करो उससे, तुम्हारे साथ अगर रूड हो गया ना तो तुम्हें तकलीफ होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ना सोचा करें इस तरह, और वैसे भी किसी ना किसी को ये मुश्किल काम तो करना ही है, और आपको पता है मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, उसमें यही बताया जाता है कि किसी को मोहब्बत से तवज्जो के साथ उसको संभालना पड़ता है। मैं इसको संभाल लूंगी और ऐसा संभालूंगी कि ये रानिया का नाम ही लेना भूल जाएगा। मैं